अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बच्चों, आज जो हम अपना टॉपिक सीखने वाले हैं वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं? एक्सपोनेंट्स होती हैं पावर्स। जो भी कोई नंबर लिखा होता है उसके पावर में जो नंबर होता है उसको एक्सपोनेंट बोला जाता है। ठीक है, नीचे वाले नंबर को क्या बोला जाता है? बेस। और ऊपर वाले नंबर को पार, जो उसके ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो इन एक्सपोनेंट्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स बोला जाता है। ठीक है, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के लॉज को यूज करते हुए आप इनकी वैल्यू को फाइंड आउट करें। पार्ट 1 है हमारे पास, -2/3 होल क्यूब डिवाइडेड बाय -3/2 होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों, अगर आप देखें यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंट क्या है? 3, और इसकी एक्सपोनेंट क्या है? 2। तो हम लोगों ने अब क्या करना है? हम लोगों ने पहले तो ये जो डिवाइड का साइन है, ये जो डिवीजन का साइन है, इसको वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मल्टीप्लीकेशन। इसको क्या करना है? इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करते हो तो आपको क्या लेना पड़ता है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? जब मैं एक फ्रैक्शन का न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर बना दूं और डिनोमिनेटर को न्यूमिरेटर बना दूं, यानी उस फ्रैक्शन को पूरा उलट कर दूं, तो वो बन जाता है उसका रेसिप्रोकल। सो देखें, 3/2 का रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा? 2/3। जब भी हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या लेना पड़ता है? रेसिप्रोकल। और वो हम लोगों ने यहाँ ले लिया और हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब? अब हमारे पास है -2/3 होल क्यूब मल्टीप्लाइड विद -2/3 होल स्क्वायर। अब अगर आप देखें, इसके नीचे जो बेस है, 3 के नीचे बेस क्या है? -2/3। और 2 के नीचे जो बेस है वो भी है -2/3। इसका मतलब ये हुआ, इसकी बेस और इसकी बेस, दोनों की बेस सेम है ना? तो जब बेसिस सेम होती हैं तो पार्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। जब बेसिस सेम होती हैं तो पार्स ऐड हो जाती हैं। ये एक्सपोनेंट का एक लॉ है जो हम लोगों ने लॉस पढ़े थे। मैं लॉस के लिए भी सेपरेट एक वीडियो बना दूंगी। अकॉर्डिंग टू लॉ, व्हेन द बेसिस आर सेम तो पार्स ऐड हो जाती हैं। देखें, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 2/3 एक दफा लिखेंगे और जो ऊपर पावर है उसको ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3+2, तो वो बन जाएगी 5। 2/3 raised to power 5। अब आप क्या करोगे? ये जो पावर है ये 2 के ऊपर भी है और ये 3 के ऊपर भी है। इसका मतलब है, ये जो पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है कि जितने भी आपके पास जो नंबर नीचे लिखा हुआ है उसको उतने टाइम मल्टीप्लाई करो। देखें, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5 को 2 को मैंने 5 टाइम्स लिखा और उन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया। इसी तरह 3 raised to power 5 है, तो मैं क्या करना पड़ेगा? 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? 2 multiply by 2 multiply by 2 करके देखेंगे कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास आ जाएगा 32। और जब 3 को करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 243। एंड दिस इज आवर आंसर।